सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था एसटीपी शॉप, उसको हमने होस्ट कर दिया था इन्फिनिटी फ्री के ऊपर। और यहाँ पे ये आपका जो प्रोजेक्ट है, इस तरीके से यहाँ पे लाइव भी हो रखा है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फंक्शनैलिटी जो रह गई थी, जरा उसको मेरे को बनाना है। यहाँ पर देखिए, सर्च आपको दिख रहा है, ये सर्च की फंक्शनैलिटी हमें आज इस वीडियो के अंदर बनाना सीखेंगे। वैसे तो आप ये खुद भी बना सकते हैं, इतना तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता ही रखी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने ये सर्च की फंक्शनैलिटी बना ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाई है तो देख लीजिए कि कैसे बनानी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार खुद से इसे जरूर से ट्राई जरूर करिएगा कि आप ये खुद ही बना सकें। अगर नहीं बनती है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऑफलाइन जा कर के फाइल को एडिट नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे इस लाइव प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको चेंजेस करूँगा यहाँ पे, और इसको बना के आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर दो अकाउंट आपको दिख रहे हैं, एक एसटीपी शॉप वाला और एक recipeplanet.com वाला, ठीक है। तो मैं अपने इप्सी जो है ना आपका ये एसटीपी शॉप वाला प्रोजेक्ट, इसको यहाँ मैनेज पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देखिए फाइल मैनेजर आपको दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है, जिससे क्या होगी, जो भी आपकी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर आपको htdocs जो फोल्डर देख रहे हैं, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्च बनाएंगे कैसे, जो उसको समझिए। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो ये आपकी product.php वाली फाइल देख रहे हैं ना, इसको आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया, और देखिए ये रहा नीचे पेस्ट का बटन दिख रहे हैं, ये नीचे इस पर क्लिक करिएगा, तो देखिए इसी का प्रोडक्ट का यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या करिए, आप रीनेम कर दीजिए, यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ search.php, ठीक है। तो यहाँ पास कर दीजिएगा search.php, ओके पे क्लिक करिएगा, तो देखिए यहाँ पे नीचे आ गया search.php। सिंपली इसको एडिट करिए, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करिए, और यहाँ इस फाइल के अंदर देखिए आप क्या कर रहे हैं, product.php के अंदर आप देखिए सिंपल यहाँ पे आप गेट पैरामीटर से कैटेगरी रिसीव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर से, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है सर्च के अंदर, कि जो भी यूज़र यहाँ पे सर्च करे उस टर्म के अनुसार यहाँ पे हमें सर्च करवाना है अपने प्रोडक्ट को। जैसे अगर यहाँ यूज़र यहाँ पे लिख देता है पोको और सर्च पे क्लिक करे, तो जो ये पोको के फ़ोन है, एक ये वाला और जो भी होगा, वो सारे फ़ोन यहाँ पे इस तरीके से प्रस्तुत हो जाने चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, जरा उसको समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट कैटेगरी रिसीव कर रहे हो ना गेट के माध्यम से, आप यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी को रिसीव ना करो, और यहाँ पे सिंपल आप रिसीव करो किसको, सर्च को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च इस तरीके से पास कर देता हूँ, search, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को, सर्च वाली फाइल को ओपन करते वक्त एक सर्च गेट पैरामीटर रिक्वेस्ट करूँगा, और उसके अंदर क्या होगा, जो यूज़र ने इसके अंदर टाइप किया होगा, ठीक है। तो जो भी यूज़र इसके अंदर टाइप करेगा वो कहाँ रिसीव हो जाएगा, गेट पैरामीटर के थ्रू इस वेरिएबल में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, या क्वायरी पास कर देता हूँ, ठीक है। सर्च क्वायरी जो भी होगी आपकी वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। और इसी क्वायरी के अनुसार मैं आपके प्रोडक्ट टेबल के अंदर से क्या करूँगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट करके निकाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आप करेंगे जरा वो देखिए, और यहाँ पर देखिए जरा ये प्रोडक्ट हेडिंग वाली ये जो दो लाइन है ना, इसको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर हम एडिट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल कॉल्यूम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इज इक्वल्स टू कैट, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर के बाद ये कैटेगरी वाला जो आपने यहाँ पे कंडीशन लगा के रखा है, इसको आप क्या करिए, इस तरीके से डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे लिखिए वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम आपका प्रोडक्ट टेबल के अंदर का एक कॉलम है, जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट नेम स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम इस तरीके से लिखूंगा, और यहाँ पे लाइक का यूज़ करूँगा, प्रोडक्ट नेम लाइक मतलब प्रोडक्ट नेम आपका किसके बराबर होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे ये सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे परसेंटेज के बीच में उस कीवर्ड को आप लिख दीजिए जो यूज़र ने क्वेरी किया है। तो मैं क्या करूँगा, जो क्वेरी वेरिएबल आप देख रहे हैं ना, इसी को मैं इसके अंदर पास कर दूँगा, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर से वही प्रोडक्ट निकल के आएगा जो यूज़र ने यहाँ पर इस क्वेरी के अंदर सर्च किया होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे यूज़र इसमें पोको सर्च करता है, तो यहाँ पे मैच होके ये देखा जाएगा कि प्रोडक्ट नेम में किस किस प्रोडक्ट का नेम पोको है, तो जिस प्रोडक्ट नेम का जो वर्ड है उसमें पोको लिखा होगा, वही आपका प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके नीचे देखिए, आपने प्रोडक्ट हेडिंग इस तरीके से पास किया है, जो हमने अभी यहाँ पे वेरिएबल डिलीट किया है, तो आपको ये प्रोडक्ट हेडिंग वाला जो यहाँ पे वेरिएबल, इसको हटाना होगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सर्च रिजल्ट, ठीक है। तो मैं पास कर देता हूँ search, सर्च रिजल्ट्स,
ठीक है, कुछ इस तरीके से। बस इतना ही आपको चेंजेस करना है, बाकी सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने डेटा निकाल लिया, प्रोडक्ट का डेटा आएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये शो हो जाएगा। बस सेव के बटन पे क्लिक कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, अब हमें चेंजेस करना होगा आपके इस nav.php के अंदर। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे nav.php में। कहाँ है nav.php? आपका एलिमेंट फोल्डर के अंदर nav.php एडिट पे क्लिक करिए। ठीक है, इसके अंदर जो देखिए कहाँ पे है आपका सर्च फॉर्म, तो देखिए ये रहा आपका सर्च वाला फॉर्म। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि जब आप सर्च करवाएंगे, जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, search.php आपका ओपन होना चाहिए और उसके अंदर एक गेट पैरामीटर सेट होना चाहिए। किस नाम से? सर्च के नाम से। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वही वाली वैल्यू होनी चाहिए जो भी यूज़र यहाँ पे टाइप करे। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे करना है। तो सिंपल एक काम करिए, इस फॉर्म को सबमिट करवाते वक्त हमें कुछ काम अगर करना है तो आपको इसमें एक क्लास सेट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ search_form वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल कह रहा हूँ, क्लास सेट कर लिया मैंने। और जो इनपुट देख रहे हैं, इस इनपुट के अंदर भी एक क्लास सेट कर लेता हूँ मैं सर्च के नाम से। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ID भी सेट कर सकते हैं, बाकी मैंने क्लास सेट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे नीचे आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया और यहाँ पे स्क्रिप्ट को कैसे क्लोज कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इसके अंदर प्योर जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखना होगा। अब प्योर जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्यों कोड लिखना होगा वो जो समझिए, क्योंकि हमने किसी किसी पेज के अंदर jQuery का CDN लगाया है और किसी किसी पेज के अंदर नहीं लगाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे jQuery का कोड तभी राइट करेंगे जब आपने jQuery का CDN सभी पेज में लगाया होगा। अगर आपने jQuery का CDN सभी पेज में नहीं लगाया तो आपको यहाँ पे प्योर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे प्योर जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे को किसे सेलेक्ट करना है, इस फॉर्म एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ सर्च फॉर्म के नाम से ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे s_form ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, और इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ आपके इस फॉर्म को। कैसे सेलेक्ट करेंगे, याद है आपको जावास्क्रिप्ट का क्लास सेलेक्टर? अगर नहीं याद है तो फिर से देखिए, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ document.getElements by ClassName। ठीक है, तो यही है सेलेक्टर का नाम, document.getElements by ClassName। यहाँ पे हम क्लास नेम सेलेक्ट करते हैं, इस वजह से यहाँ पे एलिमेंट की जगह एलिमेंट्स हमने यूज़ किया है। ठीक है, और फिर यहाँ पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर सर्च फॉर्म को इस तरीके से पास कर देंगे क्लास नेम को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सर्च फॉर्म है वो सेलेक्ट होके आपके इस एस फॉर्म वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात को समझिए, अगर आप यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख देते हैं तो क्या होगा, ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, एक एरर रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे इस तरीके से ज़ीरो इंडेक्सिंग को ऐसे पास कर दीजिए। ज़ीरो इंडेक्सिंग पास करने से मतलब ये होगा कि अगर इसके अंदर सर्च फॉर्म जैसे 3-4 एलिमेंट के अंदर लगे हुए हैं तो फर्स्ट एलिमेंट आपको ये निकाल के दे देगा। ठीक है, वैसे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारी चीज़ें पहले ही करवा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो इंडेक्सिंग नंबर ऐसे पास करता हूँ तो क्या होगा, इसके अंदर जो सर्च फॉर्म जो पहला एलिमेंट होगा वो एलिमेंट निकल के आपको इस वेरिएबल में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये नहीं लगाते हैं ज़ीरो इस तरीके से इंडेक्सिंग नंबर, तो पूरा एरे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पूरा एरे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, और ये पहला एलिमेंट है, इस वजह से मैंने इसे ज़ीरो इंडेक्सिंग नंबर से यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, चलिए इसके अंदर ऑन सबमिट इवेंट को पास करते हैं। कैसे पास करेंगे, सर्च फॉर्म डॉट ऑन सबमिट कुछ इस तरीके से पास कीजिए और फिर इज इक्वल्स टू देखिए यहाँ पे ऐसे फंक्शन को आप स्टार्ट करिए। ठीक है, और यहाँ पे ये पास कर दीजिए कि आपका ये जब फॉर्म सबमिट होगा तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो एक फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप ई को मतलब इवेंट को पास कर लो और यहाँ पे पास करो ई.prevent default को कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो मैंने पास कर दिया ई.prevent default। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल यहाँ पे एक बार आप अलर्ट को इस तरीके से पास करके चेक करो कि क्या ये अलर्ट आपका हो रहा है जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो। ठीक है, पहले यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे एक बार इसे रीलोड करके इसको चेक करता हूँ कि मैं जब सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो अलर्ट हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका अलर्ट सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, इस अलर्ट को आप हटाइए और यहाँ पे
आपने जो इस इनपुट में टाइप किया है इसको आप निकाल के यहाँ पे रख लीजिए। तो क्या करना होगा, इस इनपुट को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें भी देखिए मैंने सर्च नाम से क्लास लगा के रखा है, तो आप क्या करिए सिंपल यही वाला वेरिएबल इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। बस वेरिएबल का जो नाम है उसको चेंज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सर्च फॉर्म की जगह सर्च क्वायरी राइट कर देता हूँ, QUERY सर्च क्वायरी, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स पर क्लास नेम के अंदर सर्च फॉर्म की जगह सर्च को पास कर दूंगा और ये जीरो इंडेक्सिंग नंबर पे इसे एक्सेस कर लेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या करो, आप एक वैल्यू को इस तरीके से पास कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इस इनपुट का वैल्यू चाहिए जो भी यूज़र इसमें टाइप करे, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए लोकेशन डॉट एचरेफ को, ठीक है। मैं पास करता हूँ लोकेशन डॉट एचरेफ, ठीक है। और इसके अंदर मैं URL पास कर दूंगा कि किस URL पे मैं यूज़र को रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़र को search.php के पेज पे लेके जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको पूरा URL डालना पड़ेगा, तो मैं पास कर देता हूँ http://htpshop.ipsy कुछ इस तरीके से .com, ठीक है। इस ipsy.com के अंदर आपको कौन सी फाइल मिलेगी, एक search.php की फाइल मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर हमें एक गेट पैरामीटर पास करना होगा, किस नाम से, सर्च के नाम से, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, जो इस वेरिएबल के अंदर आया होगा, मतलब जो यूज़र ने यहाँ पे टाइप किया होगा, तो मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से कंकैटिनेट कर देता हूँ, ठीक है। बस अब आप इसे सेव कर लीजिए, बस बन गया आपका सर्च का फंक्शनैलिटी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि जो हमने फंक्शनैलिटी बनाया है क्या ये सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे एक बार से मैं रीलोड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे चलिए IQ या फिर ओप्पो सर्च करता हूँ, चलिए OPPO, ठीक है। सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मैंने सर्च किया और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका search.php ओपन हो गया और सर्च रिजल्ट्स में क्या ओपन हो गया, आपका जो ओप्पो वाला जो फ़ोन था वो यहाँ पे सर्च में आ गया है, ठीक है। तो देख लिया आपने किस तरीके से आपका सर्च रिजल्ट सही से काम कर रहा है। यहाँ पे चलिए मैं एक काम करता हूँ, पोको का भी फ़ोन सर्च करता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए दो फ़ोन यहाँ पे अपलोडेड है पोको के, जो कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट हो रहे हैं सर्च रिजल्ट्स के अंदर, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे सर्च की फंक्शनैलिटी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आपने यहाँ पे URL इस तरीके से बनाया है ना, इसको आपको कस्टमाइज़ करना होगा HTXS के माध्यम से, ठीक है। तो कैसा मैं चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जब यूज़र कोई मेरे डोमेन नेम के बाद इस तरीके से पास करे सर्च को और स्लैश दे करके वो क्या सर्च करना चाहता है वो यहाँ पे मैं रिसीव कर लूँ, मतलब इस तरीके का ये URL बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको एडिट करना होगा, जो आपने यहाँ पे ये लोकेशन डॉट एच रेफ दिया है इसको एडिट करना होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सर्च में सर्च के बाद यहाँ पे ऐसे स्लैश पास कर देता हूँ और यहाँ पे जो यूज़र की क्वेरी है उसको ऐसे अटैच कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके का URL कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, तो इसको आपको HTXS में डिफ़ाइन करना होगा। एक बार आप ये समझ लीजिए सही से, आप उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ ही गया होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब मेरा कोई डोमेन के बाद सर्च को इस तरीके से लिखे और उसके बाद जो भी वो क्वेरी लिखे उस क्वेरी के अनुसार यूज़र का जो प्रोडक्ट है वो सर्च में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसको लिख लिया, इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है, और इसे क्लोज़ करिए यहाँ से और आ जाइए कहाँ पे, HTXS फाइल पे, ठीक है। तो मैं सिंपली HTXS को ओपन कर लेता हूँ, ये रहा HTXS, एडिट पे क्लिक करूँगा। देखिए तीन री राइट रूल आपने यहाँ पे लगा के रखा था, एक को ऐसे सिंपल कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने पेस्ट कर लिया, अब यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स की जगह मैं सिंपल यहाँ पास कर दूँगा किसे, सर्च को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास कर दिया कि अगर मैं डोमेन के बाद कोई सर्च इस तरीके से राइट करता है, ये देखिए सर्च कोई इस तरीके से राइट करता है और उसके बाद स्लैश दे करके वो कुछ भी राइट करता है 0 to 9, यहाँ पे 0 to 9 लिखा है लेकिन हमें A to Z भी चाहिए, तो मैं A to Z डाल देता हूँ, कैपिटल A to Z भी ऐसे पास कर देता हूँ कि वो अगर इनमें से कुछ भी डालता है तो क्या आपका ओपन होना चाहिए यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे ये वाला जो पेज है सर्च वाला वो ओपन होना चाहिए। देखिए ये वाला URL, इसको कॉपी कर लीजिए सर्च के बाद का और इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ओप्पो जो मैंने यहाँ पे कस्टम ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, $1। अब $1 क्यों लिख रहा हूँ कि जो भी यूज़र यहाँ पे राइट करेगा वो कहाँ आ जाएगा, इस सर्च गेट पैरामीटर के अंदर आ जाएगा,
ठीक है। बस अब आप क्या करिए, इसे सेव के बटन पे क्लिक कर लीजिए और अब फिर से आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे टेस्टिंग करिए, ठीक है। होम पेज पे आ गया, रिलोड कर लेता हूँ इसको। अब सर्च पे क्लिक करके कुछ भी सर्च करता हूँ, चलिए पोको को ही सर्च कर लेते हैं। वापस से सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आ गया। और अब URL भी देखिए कैसा आया है, पहले सर्च और उसके बाद जो भी यूज़र सर्च करना चाहता है वो क्वेरी है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप यहाँ पे सर्च की फंक्शनैलिटी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई आपकी वेबसाइट, सारे फीचर्स बन चुके हैं। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे कि बाय द वे मेरे को इस वेबसाइट का एडमिन पैनल खोलना है, तो कैसे खुलता है आपको पता ही होगा। आप यहाँ पे सर्च करोगे इस तरीके से और इसके बाद आप यहाँ पे पास कर दोगे क्या, मैनेजमेंट को एंटर करोगे, तो क्या होता है आपका एडमिन पैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। लेकिन इस एडमिन पैनल को आपको सिक्योर करना होगा। सिक्योर करने का मतलब इसमें इस पेज को ऐसे ही ओपन नहीं होने देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे या तो एक काम करो, इसके लिए भी आप लॉगिन रजिस्टर का एक बना सकते हो, तो आप बना के उसे सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आप लॉगिन वाला बनाओगे वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कैसे सिक्योर करना है इसको, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल के अंदर आ जाइए, ठीक है। और हमें इसे जो सिक्योर बनाएंगे वो HTXS के माध्यम से ही बनाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे HTXS हम उसमें राइट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन हमें मिल जाता है उससे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे देखिए आपको ना एक ऑप्शन मिल जाएगा डायरेक्टरी प्राइवेसी का, ठीक है। इस पर क्लिक करिए, इसके अंदर आप किसकी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं उसको डिफाइन करिए। तो इसकी मैं देना चाहता हूँ अल्टर प्रोटेक्शन पे क्लिक करिए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब कोई यूज़र यहाँ पे ऐसे हमारे डोमेन के बाद ऐसे पास करे मैनेजमेंट, तो इस URL को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पास कर दिया ना, ये डोमेन तो आपका पास हो ही रखा, मैंने पास कर दिया कि इस डोमेन के बाद अगर कोई मैनेजमेंट लिखता है तो उसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट इट पे क्लिक करिए और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डिफाइन कर दीजिए। तो मैं यूज़र नेम जैसे डाल देता हूँ एडमिन और पासवर्ड में भी एडमिन ही पास कर देता हूँ, ठीक है। और प्रोटेक्ट इट के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया। तो अब क्या होगा, जो आपकी ये डायरेक्टरी है मैनेजमेंट वाली एडमिन पैनल, वो अब यहाँ पे प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब हम ये कैसे पता करें कि वो प्रोटेक्ट हुई है कि नहीं, या तो आप उसे ओपन करके देख लो, या तो ये देखिए ऑल्टर प्रोटेक्शन दिख रहा है, फिर से इस पर क्लिक करो तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना करंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार अपने इस एडमिन पैनल को क्लोज़ कर लेता हूँ और फिर इसे ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। क्लोज़ कर लिया मैंने, वापस से इसे पेस्ट करता हूँ इस तरीके से मैनेजमेंट वाले URL को और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका सिक्योर रहा, साइन इन मांग रहा है आपसे यूज़र नेम पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे अगर यूज़र नेम ऐसे पास कर दूँ और पासवर्ड में इस तरीके से पास कर दूँ एडमिन एडमिन और साइन इन पे क्लिक करूँ, देखिए तभी जा करके ये आपका ओपन होगा। ऐसे ये आपका ओपन नहीं होगा, और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे कोई हैक भी इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी सिक्योर है ये, हमने HTXS के माध्यम से ही समझ लीजिए ये हमने किया है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा HTXS के माध्यम से हुआ है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आइए और इसको जो क्लोज़ करिए HTXS वाले को अपने, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ना तो आपको एक से दो फाइल मिल जाएगी मैनेजमेंट के अंदर। देखिए मैनेजमेंट को ओपन करेंगे हम, तो देखो यहाँ पे आपको एक HTXS की फाइल दिख गई और यहाँ पे एक HT पासवर्ड की फाइल दिख गई। अगर मैं इस HTXS को यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा जो आपका डायरेक्टरी है, फोल्डर है, वो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो चुका है इस कोड से। और ये कोड ऑटोमेटिकली हुआ है कहाँ से, सी पैनल के माध्यम से, तो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी जो डायरेक्टरी है, एडमिन पैनल है, उसको किस तरीके से सिक्योर करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया होगा वो आपको सही से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।